आज की क्लास में हम आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल के कोड कंसेप्ट में। हमारा वर्कशीट का कौन सा कंसेप्ट है? राहुल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो हम यहाँ पे कोड कंसेप्ट में सीट वर्कशीट को कॉल करने वाले हैं आज आपको। तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट, इंसर्ट में आते हैं मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने बताया था, हमने लास्ट क्लास में वर्कबुक पे हैंडल किया था। अब यहाँ पे शीट की बात आती है कि शीट को किस तरीके से हमें हैंडल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शीट की कॉलिंग मेथड को जानते हैं। तो जितने भी शीट आप इंसर्ट करते हो, हर शीट का एक नेम है। एक दो सॉरी एक नहीं दो नेम होते हैं हर शीट का। पहला नेम होता है जो कि आपका होता है कैप्शन नेम, दूसरा आपका प्रॉपर्टी नेम होता है। कैप्शन नेम और प्रॉपर्टी नेम कैसे पता चलता है? यहाँ देखिए, जो भी सीट्स इंक्लूड होंगे यहाँ पे होंगे, जो यहाँ पे सीट यहाँ पे डला हुआ है, ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी नेम है। और जो ब्रैकेट में वो आपका कैप्शन नेम है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सीट पे यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ लिख दूँ जैन, तो जैन जय क्या हुआ? कैप्शन नेम हुआ। यहाँ पे सीट जो है प्रॉपर्टी नेम हुआ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सीट पे जाना है तो उसको कॉल करना है, तो हम उसको दो तीनों तरीके से कॉल करते हैं। पहला है कि उसकी प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चले, seat3.activate। दूसरा उसे कैप्शन नेम, उसकी कैप्शन नेम से कि शीट्स इसके अंदर में लिख दिया मैंने जैन डॉट सेलेक्ट, या फिर एक्टिवेट जो करना चाहते कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो seat3 हुआ, ये कैप्शन में seat3 से मतलब नहीं है उसको। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मार्च, फिर भी ये मार्च को ही सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका seat3 है, तो seat3 के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसके नेम से, जो कैप्शन नेम है, जो बाहर नेम डिस्प्ले होता है, उस नेम से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा प्रॉपर्टी नेम, मतलब कि प्रॉपर्टी नेम से चलता है, मतलब जो प्रॉपर्टी का नेम उसे चलता है, और नीचे आपका कैप्शन नेम कैप्शन नेम से चलता है। तो कैप्शन नेम और प्रॉपर्टी नेम समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? दिव्या जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, हम कब कैप्शन नेम यूज करेंगे, कौन प्रॉपर्टी नेम से यूज करेंगे। देखिए, अगर आपके सीट का नेम बार बार रिनेम हो रहा है, जैसे अभी मार्च है, कल अप्रैल हो जाएगा, कल फाइव हो, आपका 5 6 7 कुछ भी हो सकता है नेम। मतलब कि नेम फिक्स नहीं है, आपका नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीट वही रहेगा। सीट को ऐड और डिलीट आप नहीं करोगे, सीट सेम रहेगा। और सीट है, उसी को जस्ट रिनेम करते रहोगे आप। उस केस में हम इसकी प्रॉपर्टी, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे, कैप्शन नेम से नहीं चलेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि ये जैन को हो रहा है, अगर मैं जैन की जगह यहां पे मैं कर दू जैन यहां पे 15। अभी क्या है कि ये ऊपर वाला कोड आपका जो है, नीचे वाला जो कोड है आपका, ये कोड आपका एरर देगा, क्योंकि ये जैन नाम के सीट को ढूंढेगा। ठीक है? तो जब हमारे पास सीट रिनेम होते रहते हैं, तो उस केस में हम इसके कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिससे हमारा कॉल होता है। लेकिन मान लीजिए कि सीट आपका नेम फिक्स है, मान लो कि एक आपका डेटा इसका नाम समरी है, एक समरी है, तो क्या करते हैं कि हर बार हम अभी प्रीवियस समरी को सीट को डिलीट कर देते हैं, फिर एक नया सीट ऐड करेंगे, फिर उसका नाम हम समरी डाल देंगे। तो इसमें क्या है कि सीट डिलीट होते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं। जब भी नई सीट डिलीट हो और फिर सीट ऐड हो, इसका मतलब क्या है? उसकी प्रॉपर्टी नेम चेंज होते रहेंगे हर किसी का। यहाँ पे देखिए, seat4 नहीं है। तो अगर आपका नेम फिक्स है, कि भाई नेम फिक्स होता है, सीट अलग अलग है, तो उस केस में यहाँ पे हम उसके कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर दोनों तरीका नहीं समझ में आता है, तो हम उसके चलते किसके नाम चलते हैं, हम चलते हैं शीट्स और इसमें सीक्वेंस नंबर 2.सेलेक्ट या फिर एक्टिवेट। तो seat2.सेलेक्ट मतलब क्या हुआ कि ये पहले से दूसरा सीट लेगा।
चाहे जो भी, अगर मैं मार्च को रख दूं तो सिक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जहां पे हमें पता नहीं कि सीट क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, क्या हो सकता है, तो उस केस में हम इसके सिक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, वन बाई वन इसके इंडेक्स नंबर को हम फॉलो करते चले जाते हैं। ठीक है, और अगर जो एक्टिव शीट को कॉल करना है तो एक्टिव शीट जस्ट डालते हैं। अब चलिए सीट पे होने वाले काम के कोड के जान जाते हैं कि सीट पे जो हम इवेंट करते हैं उसका कोड क्या है, फिर हम प्रोजेक्ट के काम करेंगे। हमने कॉलिंग समझ लिया, सीट की कॉलिंग कैसे करते हैं सीट को। अब जैसे सीट को एक्टिवेट करना है तो जस्ट यहां पे लिखेंगे सीट, जो भी सीट का मेथड यहां से अपने हिसाब से कॉल करो, डॉट सेलेक्ट या फिर एक्टिवेट, सॉरी। अगर मुझे मान लो सीट नए ऐड करने हैं, यहां पे डालेंगे शीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड हो जाती है। लेकिन मैं एक नई सीट जो ऐड करना चाहता हूं, ये कहां ऐड करेगा, ये ऐड करेगा जो सीट एक्टिवेट है उससे पहले। मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर सीट से पहले हो, स्पेस मारिए, यहाँ जिस नीचे स्पेशन आ रहा है बिफोर आफ्टर काउंट, अगर बिफोर करना है पहले करना है जो सीट का करना है, वो सीट यहाँ पे डाल दिया कि सीट्स, यहाँ पे मान लीजिए मुझे जनवरी के इस पे करना है, मार्च के पहले करना है, तो यहाँ पे इन्वर्टर को मैं मार्च दे दिया, तो ये मार्च के पहले होगा। नहीं, मुझे मार्च के बाद करना है तो मुझे आफ्टर करना पड़ेगा, तो मैं आफ्टर पे कैसे जंप करूंगा, दो तरीके हैं, एक तो आप सिंपल कॉमा लगा दोगे तो आफ्टर पे जंप कर जाओगे, या फिर आप इस तरह से लिख भी सकते हो आफ्टर सेमी कॉलन इक्वल टू यहां पे शीट्स, यहां पे दे दीजिए जो भी मार्च वगैरह है वो। लेकिन मुझे सबसे लास्ट में सीट ऐड करने, सबसे लास्ट में सीट फाइव के बाद, तो मुझे क्या पता कि मतलब कि सीट फाइव है सीट सेवन है, लेकिन पता चला कि चार है, तो मैं यहाँ पे मार्च के बाद चार रख देता हूँ, तो हमेशा चार सीट के बाद ये ऐड करेगा। लेकिन जब हो सकता है चार की जगह 40 भी सीट हो सकती है, तो यहाँ पे हम चार की जगह को ऑटोमेट कर देंगे किससे, शीट्स डॉट काउंट से। तो ये क्या करेगा, एक कोड क्या करेगा कि जो भी सीट इंसर्ट करना है सबसे लास्ट में इंसर्ट करेगा, हमेशा सबसे लास्ट में इंसर्ट करेगा। क्या हमने बोला सीट डॉट एड आफ्टर शीट्स को, किसके आफ्टर, तो जिसकी जितनी उसी सीट की काउंट है उसके बाद, जैसे पांच सीट है ऑलरेडी है तो पांच सीट के बाद, अगर 10 सीट है तो 10 सीट के बाद। यहां से ऐड होगा, अब एक बार में एक ही सीट ऐड होता है, अगर आपको एक से ज्यादा सीट ऐड करनी है तो इसी में लिखिए काउंट, दिख रहा है आपको काउंट, काउंट में सेमी कॉलन इक्वल टू हमने बोल दिया पांच, तो एक क्या करेगा पांच सीट ऐड करेगा, पांच सीट, फाइव सीट। ठीक है, तो सीट ऐड करने का मेथड ये आपके सामने। अब सीट को रिनेम करना है तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम, या भी जो भी सीट की कॉलिंग मेथड है वो रखिए, इक्वल टू जो नेम देना चाहते हो वो नेम डाल दीजिए, जैसे फैब डालना है फैब डाल देते हैं इन्वर्टर कोमा के अंदर में। अब सीट ऐड कर लिया, अगर सीट को मूव करना है मुझे तो यहां पे सीट की कॉलिंग मेथड डालिए वन डॉट मूव, कहाँ करना है बिफोर आफ्टर, सबसे लास्ट में करना है, पर्टिकुलर सीट के बाद करना है, जो सीट ऐड में जो मेथड आपने लगाया है ना वही मेथड यहाँ पे यूज होगा, बिफोर आफ्टर या आफ्टर बिफोर, या कॉमा डाल के आफ्टर पे चले जाओगे, बिफोर डाल दोगे, फिर आफ्टर पूरा का पूरा लिख दोगे आप। अगर कॉपी करना है तो सेम इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉपी लिख दीजिए सीओ कॉपी, तो वो कॉपी कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है, मूव करना है सीट को किसी नई फाइल में, तो क्या कीजिए जस्ट कॉपी और यहां पे छोड़ दीजिए, एक नई फाइल क्रिएट करेगा उसमें इसको कॉपी कर देगा, या आप मूव मूव लिख के छोड़ दीजिए, उस पर्टिकुलर फाइल में मूव कर देगा।
तो हम सीट कॉपी मूव आ गया। अब सीट को डिलीट करने की बात आती है, तो सीट वन डॉट डिलीट। देखिए जब भी सीट डिलीट का यूज करते हो आप, तो क्या कीजिए, इसके ऊपर में आप लिखिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स और फिर नीचे ट्रू कर दीजिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम सीट यूज करते हैं तो हमसे कंफर्मेशन मांगता है, तो वो कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। ये जो जब भी हम जैसे सीट राइट क्लिक किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो जो कंफर्मेशन आता है ना, तो आपके माइक्रो में भी हमेशा कंफर्मेशन आएगा। तो इस कंफर्मेशन को स्किप करना चाहते हैं तो ऊपर में आपको कोड लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स और फिर यहां पे नीचे कर दीजिए एप्लीकेशन अलर्ट ट्रू। तो आपको जब भी सीट डिलीट कीजिए तो इस मेथड का यूज कीजिए। इससे क्या हुआ कि जो है वो जो आपका क्या बोलते हैं जो अलर्ट आता है, डिस्प्ले अलर्ट आता है, जो कंफर्मेशन आता है, वो कंफर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा। आगे चलते हैं। हमने सीट ऐड करना सीखा, सीट को रिडेम करना सीखा, मूव एंड कॉपी करना सीखा, डिलीट करना सीखा। अब बारी आती है हिडन करने की, कि सीट को अगर हिडन करना है तो उसके लिए क्या कोड होगा। सीट वन डॉट विजुअल यहां पे इक्वल टू सीट हिडन, हिडन करना है तो एक्सेल सीट हिडन। अगर आपको एक और इसमें वेरी हिडन, वेरी हिडन, वेरी हिडन। अब हिडन और वेरी हिडन में क्या अंतर है? देखिए अगर हम नॉर्मल हिडन करते हैं तो कोई भी यहाँ से इसको अनहाइड कर सकता है। जैसे हमें नॉर्मल हाइड मतलब कि राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, जो हिडन है आपका इसको कोई भी यहाँ से अनहाइड कर सकता है। लेकिन अगर हमने वेरी हिडन किया तो बाहर से यूजर राइट क्लिक करके उसको अनहाइड नहीं कर सकता है। उसको अनहाइड करने के लिए VVA की ही मदद लेनी पड़ेगी, तभी इससे अनहाइड होगा। तो यहाँ पे अनहाइड करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल सीट विजुअल, वो आपका अनहाइड हो जाएगा। सीट को प्रोटेक्ट करना है तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, जो भी प्रोटेक्ट है आपका प्रोटेक्ट, और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और जो ऑब्जेक्ट आपको रखना है उस पर ट्रू फॉल्स आपको लगाना है। तो ये ट्रू फॉल्स क्या होता है कि राइट क्लिक करके जब हम प्रोटेक्ट सीट करते हैं तो ये सारे चेकबॉक्स है ना, इन चेकबॉक्स पे क्लिक करना, जहां 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 आपको क्लिक करना है वहां वहां आप ट्रू लिखते चले जाइए। कानून जानने के कारण गांधी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी मीटिंग बुरी तरह से नाकाम हुई। ठीक है, फौरन ही इस वो इस मामले से दूर रहे, मगर गांधी जी उसका इशारा नहीं समझ पाए। गांधी जी को उसने जाने को कहा लेकिन वो नहीं गए। तब एक नौकर ने उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। ये उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी, राजनैतिक रूप से भी और पेशे के लिहाज से भी। इस घटना ने उन्हें और तोड़ दिया था। ठीक है सर, तो यहाँ पे जहां जहां ट्रू करना वहां ट्रू करते चले जाइए। तो हमने सीट को प्रोटेक्ट, अगर अनप्रोटेक्ट करना हो तो सेम यहां पे लिखेंगे शीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, ये सीट को अनप्रोटेक्ट कर देगा। एक सीट हमने यहां से सीट को प्रोटेक्ट किया, यहां से अनप्रोटेक्ट किया, और अनप्रोटेक्ट करने समय आपको पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दीजिए। सीट की प्रिंट आउट चाहिए तो सीट वन डॉट प्रिंट आउट, प्रिंट आउट यहां से ले सकते हैं। इसके प्रिंट प्रीव्यू देखनी है तो भी आप कीजिए शीट वन डॉट प्रिंट प्रीव्यू। डॉट प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू कर देता है। ठीक है,
तो सीट पे हम और कुछ करते हैं, हाँ सीट का हम टैब कलर चेंज करते हैं, जो कि राइट क्लिक करके यहाँ से टैब, यहाँ से कलर लेते हैं। अगर इस तरह कलर चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे शीट वन डॉट टैब डॉट कलर, यहाँ पे जो भी कलर है वीवी रेड ग्रीन ब्लू वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो टैब कलर यहाँ से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सीट पे हम यही चीज करते हैं। तो एक इसमें कोई दिक्कत है आपको? हेलो जी, मैं बताता हूँ आपको। जब हम सीट को पुटाई, अभी राहुल जी ने सवाल पूछा कि अगर आपके पास सीट में जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट करते समय बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो ऊपर में आप शायद आपने गौर से देखा नहीं, ऊपर कुछ पढ़ा हुआ है अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू। जब भी हम प्रोटेक्शन करते हैं तो ये जो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस का मतलब होता है, एक से रोक दीजिएगा सर, मैं चार्जर लगा देता हूँ। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसका इसका मतलब है कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्या क्या अलाउ करेंगे। जैसे कि अगर मैं पास फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देता हूँ और पासवर्ड डाल के ओके करता हूँ तो यूजर हमारे सेल को फॉर्मेटिंग कर सकेगा पासवर्ड डालने के बाद भी। जनरली अगर हम अलाउ ना करें तो प्रोटेक्शन होने के बाद उस पर पासवर्ड को इरेज करें, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता है। तो ये सारे अथॉरिटी होते हैं, अलाउमेंट्स होते हैं कि आप आफ्टर द प्रोटेक्शन यूजर को क्या क्या अलाउ कर रहे हैं कि क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है। रोहित जी इसमें चैटिंग फैसिलिटी भी है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप चैट पे भी कह सकते हो। तो ये हमारे इसके लिए, तो वही जब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय ये सारे ऑब्जेक्ट आते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे मुझे फॉर्मेट अलाउ फॉर्मेट सेल करना है तो अलाउ फॉर्मेट सेल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉमा 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 और कॉमा, अलाउ फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द प्रोटेक्शन इसमें फॉर्मेट अलाउ होगा, तो इस तरह से इसको यूज करते हैं। तो राहुल जी समझ में आ गया आपको? हेलो राहुल जी समझ में आया आपको? तो ये हमने सीट पे होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में स्टडी कर लिए, कल की क्लास में हमने वर्कबुक पे होने वाले सारे चीज़ को कर लिए थे। आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, और कल की क्लास में मैं आपको जो है ना इस दोनों से रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट आपको कराएंगे। हाँ राहुल जी, अभी आपके जिस पे देखिए ना नेम के नीचे चैट लिखा होगा, चैट पे क्लिक कीजिए आ जाएगा, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, साइड में बॉक्स बन के आ रहा है गोल सा, एक मिनट ओके अभी आया कुछ, हाँ तो उसी में नीचे लिखा होगा एंटर योर टेक्स्ट मी, योर एंटर योर मैसेज करके नहीं आ रहा है नीचे बॉक्स वाइट सा, आ जाएगा। लग रहा डाउनलोड सही से नहीं हुआ, दोबारा हो जाए, कल से हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, और फिर हम कल जो है इसी चीज़ पे आगे फॉलो करेंगे, और कल इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस तरह से कर लीजिए, और मैं कल की रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज देता हूँ ताकि आप दोनों प्रैक्टिस कर लो आप।
ठीक है।